मुरादाबाद में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लाल बाग रामगंगा के पार विशाल भंडारा एवं भजन संध्या का आयोजन कराया गया, जिसमें भारी संख्या में सैनी समाज ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बताया जा रहा है कि हर वर्ष यहां पर रामगंगा का पूजन किया जाता है और साथ ही रामगंगा के पार विशाल भंडारा भी आयोजित होता है। सैनी समाज नवापुरा की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में पहुंचे क्षेत्रवासियों ने भंडारे का हिस्सा बने और साथ ही भजन संध्या का भी आनंद लिया। इस दौरान ये बताया गया है कि रामगंगा के पास सभी लोग यहां काम रोजगार करते हैं और साथ ही इस दौरान रामगंगा का पूजन हम हर वर्ष यहाँ पर करते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर आज हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रामगंगा का पूजन किया गया है और साथ ही एक विशाल भंडारा भी यहां पर आयोजित किया गया है, जिसमें नवापुरा सैनी समाज का भरपूर योगदान रहा है और सभी को एक संदेश दिया है कि रामगंगा की पूजन करें और साथ ही अब सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सभी लोग काम करें। रामगंगा का भंडारा कितने वर्षों से कर रहे हैं कि उपलक्ष्य में होता है ये रामगंगा की पूजन होता है। हम लोग इसकी लहर में रहते हैं, सब लोग यहाँ से बहन बेटी सब यहाँ से जाती है नदी में, तो उसी की पूजा करते हैं हम लोग और काफ़ी पिछले समय से होता चला आ रहा, 300 वर्षों से होता चला आ रहा है हमारे टाइम से पहले से। आज के क्या कार्यक्रम है? भाई यही गंगा माई की पूजा है, उनका भंडारा गंगा माई के नाम का। बाकी लोगों का सहयोग रहता है? ये सभी लोगों का सहयोग रहता है, जो भी श्रद्धालु बाहर से आते हैं उनका भी सहयोग होता है, जो भी हैं वो सब रहते हैं। क्या उद्देश्य रहता है इस कार्यक्रम का? यहाँ ऐसा है जब रामगंगा में बाढ़ आती है या बरसातों के दिनों में जल ज़्यादा जाता है, तो पहले यहाँ पर गंगा मैया में एक बार नाव पलट गई थी तो उसमें 17 कैजुअल्टी हो गई थी उसमें, तो उसके बाद से ये लोग गंगा मैया को खुश रखने के लिए कि यहाँ ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ये लोग गंगा मैया की पूजन कराते हैं, यहाँ जागरण कराते हैं और उसके बाद भंडारा कराते हैं। आसपास के सब गांव के हजारों लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये पिछले 8-7-8 साल से हो रहा है भैया।